सचिन पायलट का निवास है और वहीं पर जयपुर पीसीसी चीफ सचिन पायलट के निवास पर दीपावली मिलन समारोह पायलट कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत कर रहे जन टीवी के एडिटर इन चीफ एस के सुराना भी वहां पर मौजूद हैं। तो साफ तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें नजर आ रहा है सचिन पायलट की आवास पर इस समय जन टीवी के एडिटर इन चीफ मौजूद हैं। इसने मिलन समारोह ये चल रहा है, दीपावली की बधाई का समारोह ये चल रहा है। तस्वीरें सीधे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के निवास की आप देख रहे हैं। क्या है वो भी लगा दे सकते हो तुम तो? अरे तो भी फ्रेम ले लो, ले लो। हाँ ले लो फ्रेम, ले लो। लो ना अब। दीपावली का त्योहार है और उसी उपलक्ष में ये स्नेह मिलन समारोह आज रखा गया है सचिन पायलट के निवास स्थान पर, जहां पत्रकार वार्ता इस समय जन टीवी की टीम मौजूद है। जन टीवी के एडिटर इन चीफ एस के सुराना वहां पर मौजूद है और तस्वीरों में देखा जा रहा है दीपावली का बधाई कार्यक्रम यहां पर है। दीपावली को लेकर, त्योहार को लेकर, पावन पर्व को लेकर यहां पर बधाई का सिलसिला भी चल रहा है। सचिन पायलट के निवास की तस्वीरें ये नजर आ रही है जन टीवी के टीवी स्क्रीन पर। चुनाव का वक्त है, चुनाव 7 दिसंबर को प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं और कांग्रेस पूरी तरीके से यहां पर तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि वो सत्ता में वापसी यहां पर करके रहेंगे और उसी के चलते तमाम पुरजोर कोशिश यहां पर, तमाम प्रयास यहां पर लगातार किए जा रहे हैं। और सबसे युवा सांसद सचिन पायलट को कहा जाता है, कम उम्र में इन्होंने जो रिकॉर्ड हासिल किए हैं, इनकी जो खूबी है उनको सुनकर सब लोगों को खुशी होती है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा उपलब्धि राजनीति के क्षेत्र में हासिल की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट बने हैं और कितने अच्छे तरीके से कांग्रेस की कमान वो संभाले, पूरी पार्टी की वो कमान संभाल रहे हैं। हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष तब बने थे जब पार्टी एकदम हार चुकी थी, पार्टी हारी थी और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो उस पार्टी को संभालना बहुत मुश्किल का समय था, उस पार्टी को संभालना बहुत बड़ा काम था, हिम्मत का काम था। उस काम को यहाँ सचिन पायलट ने किया, कांग्रेस की कमान संभाली, कांग्रेस में जो प्रदेश अध्यक्ष का जो सबसे बड़ा पद होता है उसको संभाला, एक जिम्मेदार पद जो होता है उसको संभाला। तो उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ये काम किया है, जिसके चलते हमेशा राहुल गांधी भी उनकी सराहना करते हैं और कई पार्टियों के लोग, अन्य लोग भी उनकी सराहना करते हैं। राहुल गांधी का माना जाता है कि बहुत ज्यादा भरोसा वो सचिन पायलट पर करते हैं कि तमाम जिम्मेदारियां वो इनको सौंपते हैं। उसी के चलते प्रदेश की जो पूरी जिम्मेदारी है, जो प्रदेश के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी है, सचिन पायलट के कंधों पर है। तो तस्वीरें सीधे उनके निवास से आप देख रहे हैं। जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा भी वहां पर मौजूद हैं। अभी अभी उनसे मुलाकात सचिन पायलट ने की और कई मीडिया पर्सन यहां पर मौजूद हैं, कई मीडिया पर्सन यहां पर नजर आ रहे हैं। पत्रकार वार्ता आज सचिन पायलट ने अपने निवास स्थान पर रखी है, कई टीवी चैनल्स के जो यहां पर मौजूद हैं लोग वो नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, तमाम पत्रकारता पत्रकार लोग यहां पर मौजूद हैं और आज दिवाली की बधाइयों का सिलसिला भी यहां पर चल रहा है। एक स्नेह मिलन समारोह यहां पर सचिन पायलट पत्रकारों के साथ में कर रहे हैं।